राजपद कल छिनता हो, रुपसेन भैया राजपद कल छिनता हो अभी छिन जाए, लेकिन किसी प्राणी के प्राण छीन करके राज्य की ओर दौड़ना ये यानी धर्मात्मा का लक्षण नहीं। कोटि कोटि यज्ञों का फल एक पलड़े में, कोटि कोटि यज्ञों का फल एक पलड़े में और एक जीव की रक्षा का फल एक पलड़े में, ऊंचा पलड़ा यानी अहिंसा का होगा। तड़पते जीवों को देखो, तड़पते जीवों को देखो, मध्य प्रदेश में तुम आनंद लूट रहे हो, उन प्रदेशों में देखो जहां बाढ़ें आ रही हैं, घर से बेघर लोग हो रहे हैं, घर से भदौरिया जो बेघर लोग हो रहे हैं, पर मित्र उनसे भी सहयोग उनका करते हुए धीरे से उनके कान में पूछ लेना, तुम्हारा घर उजड़ने पर तुमको कैसा लगा, तुम्हारा घर उजड़ने पर तुमको कैसा लगा, और तुम्हारे घर के सदस्य पानी में डूब गए तुमको कैसा लगा, जब वो यूं कहेंगे बहुत पीड़ा है, विरह की वेदना है, तो मित्र कहना तुम्हारे घर के एक सदस्य के जाने पर तुमको विरह की वेदना है और तुमने कितने हमारे गाय बैल जैसे प्राणियों के वंश अपने पेट में रख लिए, तब तुमको टेंशन नहीं हुआ। कोई टेंशन नहीं होता है मित्र, दक्षिण भारत में ऐसे ऐसे दृश्य देख के आया हूं तुम चीख पड़ोगे। आपके एक काने दीस लाई की छिल जाए तो चीख गए वो, एकदम तड़पते हो आप। मित्र बेचारे मुर्गे सेक रहे हो जीवित प्राणियों के लिए, और जैसे होले सेकते आप ऐसे भदौरिया लोग मछलियों को सेक रहे थे खुले मैदान में रोड पर। तब मुझे लगा हे प्रभु हमारा मध्य प्रदेश महान, जिसमें भगवान महावीर की देशना गूंजती है, आंध्र तेलंगाना कर्नाटक तमिलनाडु केरल, मित्र जो अहिंसा यहां दिखती है उस अहिंसा के दर्शन वहां पैसे नहीं होते। यदि निदान भी तुमको करना पड़े, निदान भी करना पड़े तो राकेश समाज का निदान कर लेना मित्र, अहिंसा का ब्रह्मनाद होता है। पुण्यात्मा जीव को धर्मात्मा जीव के मोहल्ले में निवास करने को मिलता मित्र, पुण्यात्मा जीव को ही ऐसा मोहल्ला मिलता है जहां मंदिर हो, जहां साधु संतों का आगमन हो, धर्म धर्मात्मा का सम्मेलन हो। सिटी में भी निवास कर रहे हो और यानी किसी नाले पर तुम्हारा घर है, सुंगो 24 घंटे उसकी गंध, तो क्यों कौन से पाप कर्म के उदय से तुमको ऐसे स्थान पर रहने को मिला? अरे सिकुड़ता था जब सृजनालय में सृजनाभिषेक होता था और जिनाभिषेक की सुगंध से ज्ञानियों मैंने एक आश्चर्य देखा। आप भी कभी गोमटेश का अभिषेक हो ना, भगवान बाहुबली स्वामी का जब अभिषेक होता है राकेश भोरे आकर के भगवान के चारों मंडराने लगते हैं, क्यों इतनी सुगंधित द्रव्यों को अभिषेक होता है कि वो भूरे में आकर वहां मंडराने के अभिषेक में नाक सिकुड़ती है, उनको नाले पे रहने को भवन मिलता है। कभी मित्र जिस जो क्रिया तुमको पसंद नहीं है मध्यस्थ हो जाना, लेकिन
समिक्त वर्धनी क्रिया में कभी नाक मस्से कुड़ना। सुन रहे ज्ञानी, पुण्य वर्धनी क्रिया में नाक मस्से कुड़ना। मुझे मालूम है पुण्य है, मुझे मालूम है पुण्य है, मुझे मालूम है ये पुण्य है छूटेगा जब ही, ये पुण्य छूटेगा जब ही या प्रबल प्रचंड पुण्य का नियोग मिलेगा, तब तुम ज्ञानी पांच इंद्रियों पर विजय करने के लिए तुम्हारा मन बनेगा। पापी जीवों का इंद्रिय विजय नहीं होता, पापी जीवों का इंद्रिय विजय नहीं होता। ज्ञानी ज्ञानी एक बार एक बार एक बार बकरी का मन मान जाए, एक बार बकरी का मन मान जाए, किसी के खेत की पत्ती में मुखम ना मारे। एक बार बकरी का मन मान जाए, किसी खेत की पत्ती मुख ना मारे, पर पापी का नहीं मन मानता। जिस नगर से, जिस दुकान से, जिस ढाबे से, जिस खाने की दुकान से निकले वही मुख मारे। तुम समझ लो ये भविष्य का बकरा है। बुरा तो नहीं लगा, भविष्य का बकरा है बेचारा, दिन भर ममियाता घूमता रहता है खाने के पीछे। ऐसे मित्र ध्यान दो जिनके पुण्य क्षीण है, वो एक छोटा सा व्रत का पालन नहीं कर सकते। पद्म पुराण जी ग्रंथ में रविशरण स्वामी ने लिखा हुआ है, हे जीव इंद्रिय वश वे ही कर पाते हैं जिनका प्रचंड पुण्य का ही उदय चलता है। यश को जीवित रखने के लिए इंद्रिय विजय चाहिए, यश को जीवित रखने के लिए इंद्रिय विजय चाहिए। और आपको गहरे विषयों में उतरो, अभी ये विषय राकेश पंडित जी आपको नहीं समझाएंगे, आप विश्वास मानो, क्योंकि उन्होंने समझ के रखा पुण्य ये है। मैंने भी समझ लिया पुण्य ये है, ये भी पक्का है पुण्य है। लेकिन हे मित्र हे ही नहीं, स्यात् उपाधि है, स्यात् हे है और पाप हे ही है। पुण्य पाप से शून्य अवस्था वो परम उपाधि है। अब संभल के सुनना, अब व्यवहारिक व्याख्यान व्यक्ति को धर्म से दूर कर देता है। अब व्यवहारिक व्याख्यान व्यक्ति को धर्म से दूर कर देता है। युवाओं बेटा, इस सभा में तुम पुण्य के उदय से आयो कि पाप के उदय से? शायद पाप के उदय से। इतना पाप का उदय हुआ तुम्हारा कि पंचम काल में तुम्हें आना पड़ गया, ये पाप का उदय। इतना पुण्य का उदय है, भगवान शिव मंदिर स्वामी के केवल ज्ञान में झलक रहा है कि कलयुग में भी ऐसे धर्मात्मा जीव हैं जो मेरे मित्र सब घर द्वार छोड़ करके बगिया में जिन उपदेश सुन रहे हैं। एक एक शब्द पकड़ना,